नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल इंडिया में मैं रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारे चैनल का उद्देश्य है, किसी भी घटना, कहानी, कथा या मिथक के पीछे छुपे वास्तविक लॉजिक को समझना, समाज पर उसके प्रभाव से आपको अवगत कराना और सत्य से साक्षात्कार कराना। इसी कड़ी में आज हम आपको लिए चल रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर जो समाज में नई चेतना का संचार कर रही है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। दोस्तों, हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राघोगढ़ राजवंश के ज्येष्ठ पुत्र दिग्विजय सिंह और उनकी धर्मपत्नी अमृता सिंह जी की नर्मदा पूर्ण पैदल परिक्रमा यात्रा में, जो दिनांक 30 सितंबर विजयादशमी को नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट से प्रारंभ हुई और मध्य प्रदेश सहित गुजरात और महाराष्ट्र के नर्मदा तटों से होते हुए मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक तक फरवरी अंत में पहुंचेगी। वहां से पुनः बरमान आकर मार्च में ये यात्रा पूर्ण होगी। दोस्तों, माता पिता की इस आध्यात्मिक यात्रा में पुत्रों का साथ यात्रा के उत्साह को दुगुना कर देता है। अपने पिता के पदचिन्हों पर चल राजनीति में प्रवेश कर युवाओं में शीघ्रता से लोकप्रिय हो रहे दिग्विजय सिंह जी के बड़े बेटे राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक जयवर्धन सिंह भी अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे इस यात्रा के बारे में, इस यात्रा के राजनीतिक प्रभाव के बारे में और क्या सोचते हैं वे अपने पिता की सेहत के बारे में। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा पूर्ण परिक्रमा यात्रा का यह दूसरा दिन है। दूसरे दिन के मध्य पड़ाव में दोपहर के भोजन के बाद हम यहाँ इस नगर में जहाँ पहुँचे हैं, यहाँ लवकुश का जन्म जो हुआ उसमें माता नर्मदा ने किस तरह से माँ सीता की मदद की, वहीं आज हमारे साथ माननीय दिग्विजय सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री जयवर्धन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये पूरा परिवार राघवगढ़ से है। राघवगढ़ में जो मंदिर है किले के अंदर, राघव जी का मंदिर है और वहाँ और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो हम आपको दिखाएंगे। पूरा परिवार धार्मिक है, पूरी ये यात्रा आध्यात्मिक है, पूरी यात्रा व्यक्तिगत है और पूरे परिवार में नामकरण संस्कार जो हुए हैं वो भी राम लक्ष्मण और उसी तरह से सब हुए हैं। तो आप किस तरह देखते हैं कि आज माता पिता आपके सीता और राम की भूमिका में एक नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। 14 साल का वनवास एक तरह से देखें तो राजनीतिक रूप से रहा है और इसका भी समाप्ति की ओर समझे, और किस तरह से आप देखते हैं पिता और माता आपके यात्रा कर रहे हैं, आप लवकुश की तरह कैसे देखें? जी देखिए, राजा साहब की ये निजी यात्रा है, उनकी आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि राजा साहब की ये परिक्रमा सफल हो। मैं हमेशा इस पल में मेरी स्वर्गीय माता जी को याद करता हूँ जो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिता की ये यात्रा सफल होगी और उनको नर्मदा माँ का आशीर्वाद मिलेगा। एक पिता के लिए उनकी जो उम्र है, उस उम्र की सेहत के लिए, एक पिता के लिए आपके मन में क्या लगता है कि इतनी लंबी यात्रा, इतना कठिन दौर? स्वाभाविक है, मैं उनका बेटा हूँ तो उनके स्वास्थ्य के बारे में मुझे बहुत चिंता होती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे पिता हर दिन योग करते हैं, बहुत ही अनुशासन के साथ हर दिन एक्सरसाइज करते हैं, तो यही कारण है। और नर्मदा माँ का आशीर्वाद भी है कि लगभग 3 महीने पूरे हो गए हैं, लगभग 1700 किलोमीटर वह चल चुके हैं लेकिन आज भी पैर में एक भी छाला नहीं है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे उनकी उम्र शायद उनसे आधी होगी लेकिन वो आज डंडे पकड़ के चल रहे हैं और आज भी राजा साहब बिल्कुल कोई बिना कोई समर्थन के, बिना कोई ऐसी चीज़ के और भी तेज़ रफ्तार से चल रहे हैं। नर्मदा माँ सबकी माँ है जी, और माँ हमारे जीवन में गुरु का स्थान रखती है। 2013 में माँ के देहांत के समय आपकी उम्र थोड़ी और बहुत कम रही होगी जी, उस समय में आपको जो एक खालीपन लगा वो कैसा था, और उसके बाद में जब आपको नई माँ मिली तो उनसे कैसा स्नेह मिला, क्या कहना चाहिए? जी, माँ तो एक ही होती है और जब भी मैं मुझे कोई संकट आता है तो मैं मेरी स्वर्गीय माँ का हमेशा याद करता हूँ। क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं कि राजनीतिक रूप से भी पार्टी को क्या इस यात्रा का लाभ होगा, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि
दिन ब दिन इस कारवां बढ़ता चला जा रहा है और संख्या बढ़ती चली जा रही, तो क्या ये एक आंदोलन के रूप में उभर के आएगा? देखिए, जैसे राजा साहब भी कहते हैं कि हम इस यात्रा को एक राजनीतिक दृष्टि से ना देखें, ये पूर्ण रूप से उनकी धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा है। और जहाँ तक सवाल राजनीति का है, राजा साहब ने कहा भी है कि जब यात्रा ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद वो पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। तो निश्चित रूप से ये एक यात्रा जो हवाई यात्रा होती है और एक पद यात्रा होती है, तो ग्राउंड रिपोर्ट जो है, जो ग्राउंड में जो समस्याएं आई हैं उनसे आपने भी यात्रा बीच में की है, तो आपको भी पता लगा होगा क्या समस्याएं हैं नर्मदा के किनारे पर, क्या काम होना चाहिए, क्या जी लगता है? हाँ देखिए, वो तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी भी काम बाकी है। नर्मदा के विकास के लिए भी ऐसे बहुत कुछ काम है जिन पर बहुत सारे वादे किए गए थे पिछले 15 साल में, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। और मैं मानता हूँ कि जब यात्रा पूरी हो जाएगी दिग्विजय सिंह जी की, उसके बाद वो सबका खुलासा करेंगे। क्या आपको लगता है इस देश में धर्म का सिर्फ मुखौटा ओढ़ा जा रहा है, अध्यात्म का मुखौटा ओढ़ा जा रहा है और सही मायनों पर सही स्तर पर काम नहीं होता? इसी का पर्याय है कि यमुना मेली हो चुकी है, गंगा खत्म हो रही है, चिप्रा लगभग सुप्त प्राय हो गई है और अब नर्मदा जी का जो है, तो क्या लगता है आपको 2030 तक, 2030 तक क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो पानी के लिए होगा, क्या होगा? देखिए, आपने इसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले ये बात सब जानते भी हैं कि भाजपा के जो बड़े वादे थे, विशेषकर 2014 में जिसके कारण मोदी जी की सरकार बनी, लेकिन उनके कोई भी वादे पूरे नहीं हुए हैं और वो सिर्फ राइट विंग बातें करते रहते हैं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों की सेवा की है, ग्रामीण क्षेत्र की सेवा की है, किसानों की सेवा की है और हम करते जाएंगे आगे भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और जो आपने मुद्दे उठाए हैं गंगा नदी के बारे में, यमुना के बारे में, वहाँ सब भी जो इनके बड़े बड़ी बातें थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई हैं। और मैं मानता हूँ कि हाँ, एक जो पानी में जो कमी आ रही है, सभी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर वाटर लेवल पहुँच गया है 700-800 फीट पर, उससे भी नीचे पहुँच गया है, जहाँ पर काफ़ी हैंडपम्प फेल पड़े हैं। तो ऐसे समय में जो नीतियाँ दिग्विजय सिंह जी की थी जब वो मुख्यमंत्री थे, जहाँ उनने वाटर शेड पर विशेष ध्यान दिया था, बहुत सारे तालाब बनवाए थे, अब वो समय आ गया है वापस कि हमें उन नीतियों को याद करना चाहिए और उसी पर आगे प्लानिंग करनी चाहिए। एक आखिरी प्रश्न और, ये साल किसानों का साल रहा है, चाहे वो प्रताड़ना झेले, चाहे वो उन्होंने आलू फेंके हों, प्याज फेंके हों, कुछ भी फेंके हों, तो ये किसान का जो गुस्सा है, क्या ये फैक्टर, किसान फैक्टर काम करेगा 2019 में? जी, स्वाभाविक तौर पर करेगा, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब सोयाबीन की रेट, उड़द की रेट, धनिया की रेट 2 गुना थी किसानों के लिए, और आज वो पूरी रेट आधी हो गई है। और क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, अध्ययन किया है अर्थशास्त्र में, तो मैं ये बात जानता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि फसल के दाम तब कम होते हैं जब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, और प्रोडक्शन के साथ में मोदी जी ने जो आयात शुल्क बाहर की फसलों पर लगता था वो उन्होंने कम कर दिया, जिसके कारण विदेश से और फसल इम्पोर्ट हो रही है, अलग अलग क्रॉप्स इम्पोर्ट हो रहे हैं। तो उससे जो किसान जो भारत का है, जो उसकी फसल बेचकर आमदनी करता है, उसको घाटा हुआ है। और मैं मानता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस आएगी तो हम आयात शुल्क विदेशी उत्पाद पर वापस उस पर वृद्धि करेंगे, ताकि जो हमारे भारत के जो किसान हैं उनको लाभ मिले, उनको सही मूल्य मिले उनकी फसल के लिए। निश्चित रूप से किसानों को ये यात्रा जो है अपने हित के लिए लग रही होगी, किसानों का साथ जो है आपको इस पूरी यात्रा में, क्योंकि नर्मदा के किनारे हैं तो खेती हर किसान ही ज़्यादातर यहाँ से वहाँ तक, हमने भी 2 दिन की यात्रा में देखा तो गांव-गांव में बड़ा भव्य स्वागत है, तो इसमें कहीं किसी पार्टी से ना होकर के किसानों का एक समर्थन आपको मिल रहा है? किसानों का भी मिल रहा है, भाजपा के लोगों का भी मिल रहा है, बहुत सारे भाजपा के विधायक और मंत्री, पूर्व मंत्री भी इस यात्रा में, उन्होंने भी राजा साहब का स्वागत किया है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यह यात्रा कहीं भी राजनीतिक नहीं है, यह यात्रा आध्यात्मिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा है। और इस यात्रा में क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के
बहुत पुराने संबंध हैं सभी लोगों के साथ, तो वो सब उनका समर्थन कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न कि यात्राओं ने हमेशा से देश की स्थिति को बदला है, चाहे वो दांडी यात्रा हो, चाहे वो रथ यात्रा हो, चाहे वो शिवराज जी की यात्रा हो, चाहे ये नर्मदा यात्रा हो, ये पैदल यात्रा नर्मदा की राजनीति के किसी ने पहली बार करी क्या? देखिए, शिवराज जी की कौन सी यात्रा ने कुछ क्या बदला मुझे पता नहीं, आपको शायद पता होगा। कौन सी आप बताए, कौन सी यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं? अभी उन्होंने नर्मदा यात्रा पूरी निकाली थी, चलकर की उन्होंने, नहीं कैसे की उन्होंने, बताइए, हेलीपैड से की, जैसे भी उन्होंने, कैसे की इन्हीं माध्यम से, हेलीकॉप्टर से की। देखो वो तो फर्जी यात्रा थी, असली यात्रा ये है जो दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, और हमें यही यात्रा याद रखनी चाहिए। अब इसमें जो आपका प्रश्न था कि इन राजा साहब की यात्रा से क्या परिवर्तन आएगा, वो हम आगे देखेंगे। नमस्कार सर आपका, आपने हमें इतना समय दिया। तो दोस्तों, लॉजिकल इंडिया पे आप देख रहे हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा पूर्ण परिक्रमा यात्रा, और ये हमारे साथ उनके ज्येष्ठ पुत्र थे जो बता रहे थे कि आगे वाले आने वाले समय में किस तरह से ये यात्रा इफेक्ट डालेगी और क्या क्या उनके अनुभव रहे हैं इस मामले में। आगे भी हम और लोगों से आपको इसी यात्रा में मिलाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। जय महाकाल, जय मां नर्मदे। हम इसी तरह अन्य लोगों से भी आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नर्मदा पूर्ण परिक्रमा लॉजिकल इंडिया पर। टेक केयर।